नमस्कार, स्वागत है आपका धूमी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, बीमार और डिप्रेशन से ग्रस्त है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने प्रधानमंत्री को ईमेल करके लिखा कि जब मैंने आपको वोट दिया था तो यह सोच के दिया था कि जब आप सत्ता में आएंगे तो एक परिवर्तन होगा, लेकिन आज 4 साल हो गए आप सत्ता में हो लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं। सिस्टम जस की तस ही है। थाना भलसवा डेयरी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने अपने पत्नी के डिलीवरी के लिए 20 दिन की छुट्टी मांगी, उसे छुट्टी नहीं मिली। इसके पहले जब शादी के लिए उसने छुट्टी मांगी थी तब भी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई, और जब वो शादी पे गया और शादी करके आया तो ड्यूटी पे क्यों नहीं था, इसके लिए उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। दिल्ली पुलिस की स्थिति यह है, ना आप शादी के लिए छुट्टी ले सकते हैं ना पत्नी के डिलीवरी के लिए। उस सब इंस्पेक्टर ने अपने ईमेल में प्रधानमंत्री को दिल्ली पुलिस की पूरी व्यथा बयान की। उनने कहा कि 24-24 घंटे काम करने के बाद भी मिलती है तो सीनियर अधिकारियों की लताड़, मीडिया का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, वर्कलोड, इससे हम सब लोग डिप्रेशन में हैं। कई बार कई सब इंस्पेक्टर यह सोचते हैं कि आत्महत्या करके निजात क्यों ना पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को निजात दिलवाने की गुहार की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत थाने पे 2 और सब इंस्पेक्टर नियुक्त करवाए, लेकिन ये तो मात्र एक थाने की बात हो गई। दिल्ली में अगणित थाने हैं और सब जगह यही स्थिति है। खबर के पीछे की खबर यह है, दिल्ली की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है और दिल्ली पुलिस की संख्या हर साल घट रही है। जो दिल्ली पुलिस में कर्मचारी काम करते हैं उनमें से 15,000 हमेशा VIP ड्यूटी में रहते हैं, 12,000 ट्रैफिक ड्यूटी पर, 35,000 थानों पर तैनात होते हैं और बाकी विभिन्न जगह पर ड्यूटी पर चले जाते हैं। जो थाने पे 35,000 कर्मचारी नियुक्त है उन्हीं के भरोसे दिल्ली की सुरक्षा है। उन 35,000 में से 18-20% कर्मचारी थाने पे ही रहते हैं क्लरिकल जॉब में, बाकी बचा हुआ फोर्स दिल्ली की सुरक्षा के लिए रास्ते पे रहता है। यदि एवरेज निकाले तो दिल्ली के 1,000 लोगों पे एक पुलिस वाला है। 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी वो अपना काम पूरा नहीं कर पाता। इसी बीच में कोर्ट के केसेस भी होते हैं जहां पूरा दिन भर उसे खड़ा रहना होता है। इसी के कारण कई थानों में कोर्ट केसेस का अंबार लगा हुआ है और दिल्ली पुलिस डेट पे डेट लेती है। प्रधानमंत्री ने एक सब इंस्पेक्टर की गुहार सुन के एक थाने पे 2 सब इंस्पेक्टर नियुक्त किए, बाकी थानों का क्या? दिल्ली में पुलिस की संख्या कम है यह हमारे राजनेताओं को, सरकार को क्यों नहीं समझ में आता? यदि ऐसा ही हाल चलता रहा तो क्या हम ये माने कि पूरी दिल्ली की जनता भगवान के भरोसे है? यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।